और इस वक्त रुख करेंगे एक बड़ी खबर का जो यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। जी हां, ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। ये बड़ी खबर, 14 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के तबादले किए जाने की खबर सामने आई। जी हां, ये बड़ी खबर, प्रदेश के सभी सीएमओ को ये आदेश जारी किए जा चुके हैं। 14 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को मेडिकल ऑफिसर्स के ट्रांसफर की खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। जिस तरह से कोरोना लगातार पांव पसार रहा है देश भर में, जिस तरह से 4000 से ज्यादा कोरोना से मरने वालों की तादाद में कहीं कोई कमी आती हुई नजर नहीं आ रही, उसी को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है ताकि स्वास्थ्य महकमे को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा सके। 14 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के आनन फानन में तबादले की घोषणा यूपी सरकार ने की है। यूपी के लखनऊ से ये बड़ी खबर एनबी की टीवी स्क्रीन पर मौजूद। तो आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना लगातार लोगों को अपनी जद में लेता हुआ चला जा रहा है, जिस तरह से कोरोना आम से लेकर खास हर किसी को अपना शिकार बनाने पर आमादा दिखाई दे रहा है, उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है कि स्वास्थ्य महकमे को सही तरीके से, कायदे से, सलीके से काम किया जाए, इसीलिए कुछ मेडिकल अफसर्स का तबादला किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। आपको बता दें कि हालांकि ये बात सही है कि पहले के मुकाबले अब कुछ आंकड़ों में कमी आती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये बात भी सही है और इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि मरने वालों का जो ग्राफ है वो भी 4000 से ऊपर रोजाना का है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर रोजाना 4000 लोग देश में से मर रहे हैं, अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।